जान अपनी बचाने के लिए गैस सिलेंडर 20-20 अंदर ना रखें घरों के अंदर, एक दो सिलेंडर काफी है, बाकी बाहर रखें। नाज़रीन आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ ज़रका शफी। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है राजबाग बिल्कुल जीरो ब्रिज के नज़दीक, जहां पर आज फैर की 1 बजे के करीब एक आग नमूदार होती है और वो नमूदार होती है एक फार्मेसी से, जो कि यहां पे एक मेडिकल फार्मेसी है। यहां से एक आग नमूदार होती है, अपने लपेट में 2 होटल्स और 2 मकानों को लेती है और उसके बाद जो है वो आग की जद में आकर खाकिस्तर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से जो है आग ने अपनी लपेट में ये सारा कुछ लिया है और उसके बाद जो है इनकी हालत जो है आग से खाकिस्तर हो गई है। फायर फाइटर्स मौके वारदात पे आए, जिसके चलते फायर फाइटर्स में 2 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए, जिसमें एक का जो है हाथ बुरी तरीके से जल गया और कहते हैं जो दूसरा है उसकी टांग में इंजरी आई है। बस किचनस मंज मे लाजे नमाज पारे आज गो थोड़ा शोर कारण अस मकल जीन अत गो शोर बह द्रायस नबर मे दुछ शोर क्या अत गो नार द्रव नार ये बस ये कम अज कम लड़क सास तुलान फोटो वीडियो तुलान अव दुई गुजरम वे तमिस यव रात झतजी दह गई तमिस यव रात अद तमिस करो यप कस वे रेत ग रेत वे गई नार गो यमें गो स्टाट नार तिछन पाई गई नमाज ये कित पा गो नार स्टाट खबर क्या कर ओतरे मालिक मूदमुत अडे रेत गो मे खानदार मे जायज नबर नबर नायस बह मे गो डोड रेत खानदार मूदमुत बह कत ग लक लक बच्चे मे अड़ लेख मे अड़ लेख तुम वस मे पालन तुम क्या कर पानस मेहनत कर पो मगर गोड लोग टाइम बट यह दवा एजेंसी अत गो नार स्टाट अत मजर अम ब्रो गो अटि जरी सो पान कोर अब आब छोक योर यूत कल बम गड़ आई यूत कल बम गड़ आई तम सात यूत कल बम गड़ मगर यूत निकस वो तुम कूत मकान दर अम सी वनो अंदर वन कत गो वनस अस मर्दस वो तबजी दह गत गो लाला अस कस तावन ओ क्या करो कत ग। देखिए कोई 1:22 पर हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ जीरो ब्रिज साइड में आग लगी हुई है। इमीडिएटली वी टर्न टू द सीन ऑफ फायर, हमने कई गाड़ियाँ निकाली जो आसपास के स्टेशन है उनको भी हमने मौके वारदात पर पहुँचाया। जब हमने देखा तो यहाँ एक हसन फार्मास्यूटिकल नाम से कोई गोडाउन है, इसमें केमिकल स्टोर थे। एक्चुअली फायर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, आफ्टर दैट इट स्प्रेड टू अदर हाउसेज। वैन वी रीच द स्पॉट 3 houses were bare and commercial buildings were on fire. Immediately we started the fire fighting operations. बड़ी बहादुरी से हमारे लोगों ने काम किया। आप देखिए छोटे छोटे इन्होंने ये गेस्ट हाउस बनाया, कमर्शियल में रेजिडेंशियल को तब्दील किया है, इनमें कोई इनबिल्ट फायर फाइटिंग सिस्टम लगा नहीं है, इसकी वजह से आग फैली है। हैड दे बीन एक्टेड इन टाइम विद दियर फर्स्ट एड इक्विपमेंट द सिचुएशन वुड हैव टर्न डिफरेंट। हैड इट बीन इन द नाइट आवर्स दियर वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट सिचुएशन एंड इट वुड हैव बीन टर्न इनटू कैटास्ट्रोफी। पता नहीं कितने लोग मरते। अच्छा अल्लाह का करम है, दूसरा ये वाटर सोर्स इधरी था जहलिम था, हमने इमीडिएटली फायर फाइटिंग तो 3-4 गाड़ियों की मदद से और इंजन 2 भी लगाए, तो साथ साथ हमने 3-4-5 ब्रांच ऊपर से डायरेक्ट लाइन ले ली और फायर को हमने कंट्रोल किया। बदकिस्मती की बात यह है इस फार्मास्यूटिकल ये जो कम्प्लेक्स है इसमें भी 12-13 सिलेंडर LPG के थे। अगर उनमें इग्निशन टेम्परेचर बराबर होता पता नहीं यहाँ क्या होता, कितने जानी नुकसान होता। अभी तो लाइफ लॉस ही हुआ है, बाकी रहा सवाल कोई अंदर फंसा है या कोई जानी नुकसान हुआ है उसके हवाले से लेट मी क्लियर द सिचुएशन। नोबडी हैज इंजर्ड एक्सेप्टिंग अवर 2 पीपल, 1 गुलाम रसूल एंड सेकंड मिस्टर इमरान, दे हैव सस्टेन इंजुरीज एंड दे हैव बीन रश्ड टू हॉस्पिटल। रेस्ट इज ओके, इट विल टेक सम मोर टाइम एंड सिचुएशन विल बी टोटली अंडर कंट्रोल। लाइफ का नहीं सोचते हैं और ऊपर वो बावर्ची खाना बनाया है, पकौड़े बना रहे हैं, गैस सिलेंडर रखे हैं ऊपर नीचे, ये तो सीधा हजार्ड है ना, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ऐसा जो राजबाग को अभी बता दिया है, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने खुद देखा जाके हाल है इसका, इसलिए लोगों से यही अपील है कम से कम
जान अपनी बचाने के लिए गैस सिलेंडर 20-20 अंदर ना रखें घरों के अंदर, एक दो सिलेंडर काफ़ी हैं, बाकी बाहर रखें, और ख़ासकर जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है। नहीं, बहुत मुश्किल था दिन में इतना, आपने देखा हमारे दो फायरमैन जख्मी हो गए, हम सब की हालत आप देख रहे हो, जान फिशानी से काम करके हमने ये कंट्रोल किया, बहुत बड़ा डिफिकल्ट था। कहा जाता है कि अगर ये आग रात को लगती तो नामुमकिन था इस आग को कंट्रोल करना, लेकिन किस्मती से जो है ये आग दिन में लगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल कर पाए और जो है इस आग को बुझाने में कामयाब रहे। बात फायर फाइटर्स की करें तो फायर फाइटर्स में दो फायर फाइटर्स जख्मी, इससे पहले भी आपको बताती चली मैं कि दो फायर फाइटर्स जो है वो जख्मी है। आगे भी आप तक स्पोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे, मैं जरका शफी कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।